राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। सूर्य, बुध, शुक्र तीन ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डाल रही है और श्रावण का मास का आप कैसे कर रहे हैं उपयोग, ये बहुत आवश्यक है। मुक्ति के पथिक, इस धराधाम पे ईश्वर के गुप्त कार्यों को करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, ये आप सबको पता है। तो आप लोगों का प्रत्येक क्षण जीवन में सार्थकता की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि संसार के लिए आप नहीं आए हैं, संसार को कुछ देने आए हैं, संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं। और आप दे तभी पाएंगे जब खुद मजबूत रहेंगे। मजबूती आर्थिक नहीं, मजबूती आपकी आध्यात्मिक, शारीरिक उन्नत की बात नहीं है, आत्मिक उन्नत की बात है, क्योंकि आत्मा की मलिनता को खत्म करने के लिए आए हैं। वृश्चिक मतलब जो जल थोड़ा सा गंदा हो गया है उसको मिनरल वाटर बनाना है, मिनरल वाटर बनाने तक की बात हो रही है। पंचम में गुरु की गुरुता है, नवम में चंद्रमा की शीतलता है, ठीक है ना। तो ये आप के ऊपर जो गोचरी स्थिति बन रही है सूर्य महाराज की, इसकी चर्चा हमने अभी वीडियो में की थी। आज बुध और शुक्र की गोचरी स्थिति क्या परिणाम देने वाली होगी, तो देखिए पहले सूर्य से स्टार्ट करेंगे। सूर्य महाराज आत्मा, आपके शरीर हमारे जीवन में आत्मा के कारक होते हैं। आत्मा का गोचर भाग्य के घर में बहुत सुंदर है। आत्मा का गोचर मन के घर में, धर्म के घर में, तो आप आध्यात्मिक होंगे, आप इस समय धार्मिक होंगे। सिर्फ बात धार्मिक होने से नहीं है, धर्म जब अंदर घटना शुरू कर जाए, ध्यान में बैठना जरूरी है, लेकिन ध्यान में बैठने से आज जरूरी है कि ध्यान आपके अंदर घटना शुरू हो जाए, ध्यान अवतरित होना शुरू हो जाए। तो सूर्य आपको वो दृष्टि देंगे, सूर्य वो गुरु देंगे जो आपको ध्यान अपने अंदर घटना सिखाएगा, अपने अंदर लगाना सिखाएगा। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान लग जाए उस स्थिति तक पहुँचने के लिए आप बने हैं। और राशियों को ध्यान लगाने दीजिए ना, आप तो ध्यानिष्ठ हो, माने ध्यान में होने के लिए बने हुए हैं। तो चलिए आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो इसके बाद मैं देने वाला हूँ, बहुत ही अलग है, गूढ़ से गूढ़तम रहस्य, गूढ़ रहस्य नहीं, गूढ़तम रहस्य वाला है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना। वृश्चिक राशि खासकर अनुराधा नक्षत्र पे, उस पर ज्येष्ठा पे भी प्रभाव होगा, विशाखा का भी प्रभाव होगा, लेकिन अनुराधा पे खास होगा, उसको जरूर देखिएगा, एक दो दिन में मिल जाएगा। तो जो बुध महाराज हैं आपके कुंडली में, जो गोचर कर रहे हैं, बुध आपके कुंडली में कामनाओं की पूर्ति के स्वामी है। किसके स्वामी है? कामनाओं की पूर्ति के। तो बुध महाराज कोशिश करेंगे कि आपकी कामनाएं पूर्ति हों, लेकिन पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका अपना चैनल है, नक्षत्रों की वार्ता करता है, ज्योतिष को टू द पॉइंट आगे ले जाता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको करना ही चाहिए। तो कामनाओं की पूर्ति का स्वामी बुध गोचर कर रहा है सूर्य के साथ मन के घर में, भाग्य के घर में, धर्म के घर में। तो धर्म की वजह से, धर्म के कारण से, भाग्य की प्रबलता की वजह से आपकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है। तो इस बीच आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं, ज़्यादा प्रयास करें, इस प्रयास से आपका बुध जो है आपको बुद्धत्व प्रदान कर रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, बुद्धो नहीं बना रहा है। तो आप बुद्ध मत बनिएगा, क्या बुद्ध बिल्कुल मत बनिएगा, ये बुध आपको बुद्धत्व देने की ओर आ रहा है। बुध अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहा है, नवम भाव में पिता के घर में जा रहा है, नवम भाव में पिता के घर में। अब पिता के घर में हम ज्यादातर परेशानियों की वजह से जाते हैं, जब कोई समस्याएं नहीं सुलझी तो चलता है, लगता है चलो पिताजी से पूछ लेते हैं, वो बताएंगे। तो बुध अष्टम भाव में जो परेशानी है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुलझ नहीं पा रही है। अब उन परेशानियों को लेके नवम भाव में जा रहा है। नवम भाव में अब क्या मिलेगा? तो नवम भाव में बुध को जो मिल रहे हैं, गुरु की गुरुता मिलेगी, पुनर्वसु बोलेंगे, पुनः प्रयास करो, पुनः प्रयास करो। तो आपको यहाँ ध्यान पुनः पुनः लगाना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेट पुनः पुनः होना पड़ेगा, एक बार में आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। और आप इस प्रक्रिया को अगर दोहरा लिए, देखिए यहाँ पे जो बुध है ना थोड़ा सा अनमेच्योर है, बच्चे जैसा है, कंसंट्रेट इजिली नहीं होने देगा, तो आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। नक्षत्र भी आपको क्या मिलेगा? पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा। इसके बाद फिर आपको पुष्य नक्षत्र मिलेगा, पुष्य माने स्थिर, गाय के थन जैसा,
दूध ही दूध सबको देने की कंडीशन में आना शुरू हो जाओगे, सबको देने की कंडीशन में आना शुरू हो जाओगे। इसके बाद कामनाओं की पूर्ति का जो स्वामी है बुध, वो चलेगा अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र का तात्पर्य है ऐसा सर्प जो मणि युक्त हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सर्प जो मणि युक्त हो चुका है और वो कुंडलनी मार कर बैठा हुआ है, मतलब शक्ति के केंद्र में आप पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्यादातर इस पे फोकस नहीं करता है कितना पैसा मिलेगा, यद्यपि आने वाले समय में एक वीडियो उस पे भी बनाऊंगा कि आपको पैसा कहाँ कब कैसे मिलेगा, क्या उपाय करें जिससे पैसा मिले, क्योंकि कलिकाल में बिना पैसे के काम नहीं चलता भाई, यस टका नास्ति सा टक टकायते। लेकिन आपके लिए जो मेन उद्देश्य है वो मुक्ति वाला है, मुक्ति के पथ पे जाना है, मुक्ति का बीज बो कर जाना है, इसलिए इन चीजों को ध्यान दीजिए। चतुर्मास आरंभ हो चुका है, ध्यान का साधना का समय है और आप लोग ध्यान साधना के लिए उत्पन्न होते हैं। जैसे आप अश्लेषा में जाते हैं तो अश्लेषा में आपका जो विश्लेषणा शक्ति है वो जागृत होगी, ठीक, वो आपको कंसंट्रेट होना सिखाएगी और अंदर की जो मणि है, अंदर का जो ज्ञान है, अंदर का जो प्रकाश है, उसको लाके आपके सर्प के क्या होता है फन पे रख देती है। उसी से मणि युक्त जो भुजंग होता है ना, उसकी अलग ही छवि होती है, अलग ही बात होती है। तो आप इस धराधाम पे मणि युक्त हो सकते हैं, ये बुध आपको ऐसा ज्ञान देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसे होंगे, आप का कर्म भाव का स्वामी यहीं पे गोचर कर रहा है, आत्मा का गोचर हो रहा है नवम भाव में, मतलब मन के घर में आत्मा, तो आत्मा को ही मन में लगा देना है, कंसंट्रेट हो जाना है, एकाग्र हो जाना है, मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाइए। जो कुछ है वो तेरा है, मुझे कुछ नहीं पता है, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू बंधु, सब कुछ तुम ही हो। बहुत इजली शब्दों में उनसे कनेक्ट होइए, प्रभु जो कुछ है वो आप ही हो, सांसारिक माता पिता सांसारिक रिश्तों का कोई मतलब होता नहीं। जिस दिन ये भाव मन में आ गया ना, वो आप हमारा आपका आचरण ही है, जिस दिन आचरण शुद्ध हुआ वो अपना चरण दे देंगे, उनके चरणों तक पहुंचने में कठिनाई नहीं है, बात आचरण की है। तो यहाँ पे आचरण को परिपक्व करना है, बच्चों जैसा नहीं करना है। एकादश वाले बुध मतलब परिपक्व बुध, परिपक्व बुद्धि के साथ बढ़ना है और बुद्धि को आत्मा को दोनों को मन को परमात्मा के चरणों में जाके लगा देना, मतलब बुद्धि नहीं लगाना है, बुद्धि को साइड में रखना है, मन मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, वो आपको मार्ग दिखा देंगे। क्या करेंगे, मार्ग दिखा देंगे। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र महाराज का भी गोचर हो चुका है, शुक्र महाराज आपके मिथुन राशि में है, व्यय का स्वामी, व्यय का स्वामी और आपके सप्तम भाव, सॉरी व्यय का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव गूढ़ तत्वों की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर, गूढ़। शुक्र को सिर्फ भोगी अगर आप मानते हैं तो आप गलती करते हैं, शुक्र संजीवनी विधा के जानकार हैं, शुक्र अमृत तत्व के जानकार हैं। अमृत क्या है, जो जीवन मरण से मुक्ति दे दे। शुक्र गुरु से कम ज्ञानी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पक्ष ऐसा चुन लिया कि उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, तो शुक्र भी आपके लिए ज्ञान के तत्व को जगाने वाले हैं, आपको विदेश में संपर्क कराने वाले हैं। वो देश जो जिनका धरातल इंडिया से नीचे है, भारत से नीचे है, वहां दूर देश में यात्रा करके आप लाभ उठाने वाले हैं। अभी इसी माह गुरु महाराज भी आपके हो रहे हैं वक्री, क्या हो रहे हैं वक्री, शनि हो चुके हैं वक्री, गुरु महाराज भी वक्री, ये दो बड़े जो प्लेनेट आपके लिए वक्री हुए हैं, ये क्या असर देंगे, इसके लिए आपके लिए वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वतंत्र वीडियो, मैं सभी लग्न और राशियों के लिए नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ लेकिन आपके लिए स्वतंत्र वीडियो बनाता हूँ, आप चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। आप लोगों से प्रेम ज्यादा है, वृश्चिक राशि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, खासकर इसका अनुराधा नक्षत्र बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। अनुराधा पे मैंने कई वीडियो बनाए, अभी एक स्वतंत्र वीडियो आपको आज ही बना रहा हूँ और कल परसों में आपको मिल जाएगा। तो ये जो चतुर्मास की यात्रा है इसको भगवान शिव के चरणों से आप आरंभ करिए, भावी मेट सकें त्रिपुरारी, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपके अंदर वृश्चिक का जल है,
और यहाँ पे वृश्चिक मतलब मंगल, देवत्व जो मिलेगा ना यहाँ पे सेनापति मुर्गन कार्तिकेय भगवान।